फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फैमिली। फ्रेंड्स आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 64, जहां पर हम देखेंगे कि लेट कब कैसे और किस तरीके से यूज किया जाता है। फ्रेंड्स लेट जो है ना, इसका यूज आप लोगों ने पहले भी कभी ना कभी जरूर किया होगा, क्योंकि लेट का मतलब होता है क्या, माना कि मैथमेटिक्स में इसका यूज आपने किया ही होगा। जो लेट होता है ना, इसकी दूसरी हिंदी क्या होती है, आज्ञा देना। इन्हें जो लेट है वो एज अ मेन वर्ब भी काम करता है। बट आज हम जो लेट पढ़ने जा रहे हैं इसकी हिंदी क्या है, दो या फिर दीजिए। लेकिन यहाँ पर हम किसी वस्तु की डिमांड नहीं करने वाले। मैं आपसे ऐसा नहीं कहने वाला कि मुझे एक ग्लास पानी दो, मुझे अपना पेन दो या फिर मुझे अपना मोबाइल दो। क्योंकि जो लेट होता है ना, इससे परमिशन का सेंस आता है, यानी यहाँ पर कहा जाता है कि मुझे ऐसा काम करने दो। तो अगर किसी वस्तु को देने की बात आ रही है, किसी चीज को देने की बात आ रही है, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, गिफ्ट का प्रयोग करोगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि गिव मी योर पेन प्लीज, तो अपना पेन मुझे दीजिए। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो मुझे एक ग्लास पानी दीजिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे यहाँ बैठने दो, मुझे बाहर जाने दो, उसे अंदर आने दो, पापा को भोजन बनाने दो, तो क्या आपने माइंड किया कि जब वर्ब के साथ दो या दीजिए आ जाए, इन सेंस आना चाहिए कि मुझे ऐसा काम करने दो, तो ही आपको लेट का यूज करना होगा। तो खेलने दो, आने दो, जाने दो, पूजा करने दो, पढ़ाने दो, लिखने दो, बैठने दो, डांटने दो, लड़ने दो, यानी वर्ब के बाद जब दो और दीजिए आए तभी आपको लेट का यूज करना होता है। अब बात को समझ कर चलिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपसे कहूं कि मुझे अपना मोबाइल दो और इसके लिए आप लेट का यूज कर दो, ऐसा मत कीजिएगा। तो किसी वस्तु को देने की बात आई तो गिफ्ट का यूज करना है, और अगर बात आ जाए कि मुझे ऐसा काम करने दो, तो ही आपको लेट का यूज करना होगा। अब फ्रेंड्स अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो हमने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्या, सबसे पहले लेट, और इस लेट के बाद यहाँ पर क्या लिखा गया है, OBJP, जहां पर इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्योंकि लेट की अगर बात की जा रही है तो लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज किए जाएंगे। इसके साथ कभी भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी आई, वी, दे या फिर ही, सी नहीं आता। यानी यहाँ पर क्या आने वाला है, मी, अस, यू, देम, हिम, हर या फिर इट का यूज ही किया जा सकता है। यानी यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन किसी भी हाल में नहीं आने वाला। हम ऐसा नहीं बोल सकते लेट आई, लेट वी, लेट दे, लेट ही। हमें क्या बोलना पड़ेगा, लेट मी, लेट अस, लेट यू, लेट देम, लेट हिम या फिर लेट हर, या फिर हम यहाँ पर लेट इट का यूज करते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के नाम को अगर हमने यूज किया होगा, जैसे मैंने कहा राहुल को खेलने दो, तो फिर हम यहाँ पर उसी का नाम यहाँ पर एड कर सकते हैं। तो माइंड आपको ये करना है कि लेट के बाद सब्जेक्टिव में ही हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही ऐड किया जाएगा। तो पहला स्ट्रक्चर हमें तब यूज करना है जब मैं आपसे कहूं कि मुझे ऐसा काम करने दो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ऐसा काम मत करने दो, जैसे अगर मैंने आपसे कह दिया कि उसे बाहर मत जाने दो, पापा को गाना मत गाने दो, उसे गाड़ी मत चलाने दो, तो ऐसी कंडीशन में फिर हमें स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड वन का यूज करना होगा, और हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, डोंट। इसके ठीक बाद आप ध्यान से देखें तो मैंने इन्हीं सारी चीजों को यहाँ पर कॉपी कर दिया है। तो अगर बात करने देने की आएगी तो फर्स्ट वन से, और अगर बात आ जाए कि मुझे ऐसा काम मत करने दो, तो आपको स्ट्रक्चर नंबर सेकंड वन का यूज करना होगा। अब थर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो आप यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा, लेट्स, लेट के बाद एपोस्ट्रोफी एस। लेकिन यहाँ पर माइंड कीजिए कि लेट्स होता क्या है। इस लेट्स का मतलब होता है लेट और अस, यानी लेट और अस का अगर शॉर्ट फॉर्म बोला जाए तो क्या बन जाता है, लेट्स। और लेट्स का यूज हमें तब करना है जब काम को पूरा का पूरा ग्रुप करें, यानी किसी को भी यहाँ पर हमें छोड़कर नहीं चलना। तो माइंड कीजिए अगर मैंने यहाँ पर लेट्स लिख दिया, इसका मतलब लेट और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दोनों का मैंने क्या किया है, शॉर्ट करके यहीं पर लिख दिया। तो इसके बाद इन दोनों को अगर मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो इसके बाद हमें किसको रखने की जरूरत है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या ऐड कर दिया हमने यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैंने आपसे कहा होता कि मुझे जाने दो, अब अगर मैंने आपसे कहा मुझे जाने दो या फिर मुझे जाने दीजिए, एक ही बात है। अब इसको बनाना होगा तो सबसे पहले हमें यहां पर क्या लिखना है, लेट, फिर क्या रख देना होगा, मी। मी क्यों रखना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रखना है यहां पर, लेट के बाद हम आई का यूज नहीं कर सकते। अब हमें रखनी है क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो क्या थी हमारी, जाना। तो सेंटेंस क्या बन गया, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट अस गो, हमें जाने दो, लेट देम गो, उन्हें जाने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हर गो, यानी किसी लड़की को जाने दो। और अगर मैं आपसे कहता लेट इट गो, तो हिंदी क्या होगी, छोड़ो इसे या फिर इसे जाने दो।
अब फ्रेंड्स अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे क्रिकेट खेलने दो, एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने मैंने लिख दिया है कि मुझे क्रिकेट खेलने दो, अभी भी सबसे पहले मैं क्या रखना होगा लेट, इसके ठीक बाद क्या आ गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो कि क्या था मी, अब यहाँ पर हमें रखनी है क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि क्या थी खेलना, और खेलना को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं प्ले, तो लेट मी प्ले, तो मुझे खेलने दो। अब हमें यहाँ पर देखना है क्या दूसरा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर हमें मिलेगा, वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हो सकता है और वो किसी वस्तु या किसी चीज का नाम भी हो सकता है। तो सेंटेंस क्या बनने वाला है, लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने दो, लेट हिम टीच, उसे पढ़ाने दो, एंड लेट हिम टीच इंग्लिश, उसे अंग्रेजी पढ़ाने दो, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, उसे गाना गाने दो, लेट देम प्ले हॉकी, उन्हें हॉकी खेलने दो, लेट पापा ड्राइव, पापा को कार चलाने दो। फ्रेंड्स इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर मैंने आपसे कहा होता कि उसे क्रिकेट खेलने दो, तो सेंटेंस क्या बनता हमारा यहाँ पर, लेट हिम प्ले क्रिकेट, यही तो बनने वाला था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उसे क्रिकेट मत खेलने दो, मत शब्द का यूज अगर मैंने यहाँ पर कर लिया तो आपको क्या करना है, इस डोंट को पहले ऐड कर देना है, और किसके पहले, लेट के पहले, तो हमारा सेंटेंस क्या बनने वाला है, डोंट लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट मत खेलने दो। एक सेंटेंस सुनिएगा, लेट हिम गो आउट, उसे बाहर जाने दो, एंड डोंट लेट हिम गो आउट, उसे बाहर मत जाने दो, लेट हिम सिट हियर, उसे यहाँ बैठने दो, एंड डोंट लेट हिम सिट हियर, उसे यहाँ मत बैठने दो, लेट देम प्ले फुटबॉल, उन्हें फुटबॉल खेलने दो, एंड डोंट लेट देम प्ले फुटबॉल, उन्हें फुटबॉल मत खेलने दो, लेट मम्मी सिंग अ सॉन्ग, मम्मी को गाना गाने दो, डोंट लेट मम्मी सिंग अ सॉन्ग, मम्मी को गाना मत गाने दो, लेट मी स्पीक द ट्रूथ, मुझे सच बोलने दो, डोंट लेट मी स्पीक द ट्रूथ, मुझे सच मत बोलने दो। अब फ्रेंड्स में एक एग्जाम्पल और देखते हैं, अगर मैंने आपसे कहा होता कि चलो फुटबॉल खेलते हैं, चलिए फुटबॉल खेलते हैं, चलो हम सब फुटबॉल खेलते हैं, या फिर चलिए हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, कहने का मतलब ये था कि अगर मैंने आपसे कहा चलिए फुटबॉल खेलते हैं, चलो फुटबॉल खेलते हैं, चलो हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल तो सारे के सारे लोग खेलेंगे ना, और एक ऐसा काम जिसको पूरा का पूरा ग्रुप करने जा रहे हैं, उस कंडीशन में हमें किसका यूज करना है, लेट्स का यूज करना है। तो फ्रेंड्स अगर मैंने आपसे कहा होता कि लेट्स प्ले क्रिकेट, क्या बोला मैंने आपसे, लेट्स प्ले क्रिकेट, तो इसकी हिंदी क्या होगी, चलो क्रिकेट खेलते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं चलो क्रिकेट खेलते हैं, चलिए क्रिकेट खेलते हैं, आओ क्रिकेट खेलते हैं, चलिए हम सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि काम को पूरा का पूरा ग्रुप करेगा। तो अगर मैं आपसे कहता लेट मी टेक टी, तो हिंदी क्या होगी कि मुझे चाय पीने दो, और अगर मैं आपसे कहूं लेट्स टेक टी, तो हिंदी क्या निकलने वाली है, चलिए चाय पीते हैं। अगर मैंने आपसे कहा होता कि लेट हिम गो टू मार्केट, तो हिंदी क्या होगी, उसे बाजार जाने दो, और अगर मैं आपसे कहूं लेट्स गो टू मार्केट, तो हिंदी क्या होगी कि चलिए बाजार चलते हैं। अगर काम को पूरा का पूरा ग्रुप करेगा तो उसके लिए हमें किसका यूज करना है, लेट्स का यूज करना है। तो फ्रेंड्स आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी, तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।